हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर क्लास एंड टुडेज आवर टॉपिक इज यूनिट थर्ड, लिटिल बाय लिटिल। यूनिट थर्ड लिटिल बाय लिटिल, यह वन जो है आपका पोएम है, इसे रीड करेंगे हम। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टीनी सीड्स। रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न गेव वे। तो जो जब भी हम कोई ट्री देखते हैं तो एट फर्स्ट वो ट्री क्या होता है, सीड होता है, मीन्स बीज होता है। एंड स्लोली स्लोली वो क्या करता है, ग्रो करता है और वन कंप्लीट ट्री बन जाता है, राइट। तो वैसे ही हम यहाँ पर रीड करेंगे कि जो है अकॉर्न कैसे ग्रो करता है। आपका पोएम है लिटिल बाय लिटिल, ओके, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away, little by little each day it grew, little by little it sipped the dew, downwards it sent out a thread like root, up in the air sprang a tiny shoot, day by day and year by year, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is forest bright, okay। तो ये जो poem है इसमें ट्री के बारे में दिया है कि जो ट्री है वो कैसे ग्रो करता है। तो इसमें जो पर्टिकुलर जो ट्री होता है आपका अकॉर्न, उसके बारे में है। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सैड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड, मीन्स जैसे ही हम क्या करते हैं कि जब भी प्लांटेशन करते हैं तो एट फर्स्ट हम सीड्स लगाते हैं, बीज बोते हैं, है ना। देन आफ्टर जब हम उसमें वाटर देते हैं तो स्लोली स्लोली जो सीड्स के अंदर की जो मोजी बेड होती है, मोजी बेड होता है उसका, वो क्या होता है, उसमें जब वाटर जाता है तो वो अंकुरित हो जाता है, है ना। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और देन आफ्टर फिर वो अपने जो मोजी बेड में से स्लोली स्लोली जो है एवरी डे इम्प्रूव करने लगता है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, जो सीड होता है उसे कहाँ लगाया जाता है, अर्थ में, जमीन में जो है नीचे जो सॉइल होती है, सॉइल को डिग करके उसके अंदर सीड लगाया जाता है। देन आफ्टर लिटल बाय लिटल वो क्या करता है, ग्रो करता है, एंड लिटल बाय लिटल इट सिप्स द ड्यू, और जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्या किया जाता है, उसे वाटर दिया जाता है, या फिर जो ड्यू मीन्स होता है वो उसकी बूंदे गिरती है, उससे वो स्लोली स्लोली ग्रो करने लगता है। डाउनवर्ड्स इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स, और जो है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जो है उसकी थ्रेड के जैसी रूट्स ग्रो करने लगती है। एंड इन द एयर स्प्रैंग अ टीनी शूट, और जो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो है उसका शूट ग्रो करने लगता है, मीन्स जैसे ही हम सीड लगाते हैं और जब प्लांट निकलना स्टार्ट होता है तो जो उसका तना होता है उसे शूट कहा जाता है, ओके। तो डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जो ये लिटल डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जो है क्या होने लगता है, इसमें चेंजेस होने लगते हैं। और फिर जो लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे फिर जो है उसमें से लीव्स अपीयर होने लगती है, मीन्स पत्तियाँ दिखने लगती है। देन आफ्टर ब्रांचेस निकलती है उससे, बहुत सारी जो है ऑल ब्रांचेस निकलती है, और वो ऑल ब्रांचेस पूरी
स्प्रेड हो जाती है, और इस प्रकार से जो माइटी ओक ट्री है वो फॉरेस्ट की प्राइड, मतलब जो ट्रीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉरेस्ट की का गर्व होते हैं, राइट। एंड यू नो वेरी वेल कि ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। देन आफ्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, लिटिल बाय लिटिल नेम द ट्री दैट एन अकॉर्न ग्रोस इनटू, तो अकॉर्न ग्रोस इनटू द ओक ट्री। देन वेयर इज द अकॉर्न हिडन, कहाँ छिपा होता है अकॉर्न, तो द अकॉर्न इज हिडन डीप इन द अर्थ अवे, अर्थ में जो है नीचे गहराई में अकॉर्न हिडन होता है, दूर छुपा हुआ होता है। व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, सीड मीन्स होता है बीज को ग्रो करने के लिए किन किन थिंग्स की नीड होती है, तो अ सीड नीड्स वाटर सनलाइट सॉइल एंड मॉइस्चर टू ग्रो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ग्रोज अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर क्या ग्रो करता है, तो अकॉर्न सीड्स ग्रोज अंडर द सॉइल। एंड व्हाट ग्रोज अबोव द सॉइल, शूट ग्रोज अबोव द सॉइल। ओके, देन राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, इनके लिए जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड राइट करना है। तो बेड कैसा है, बेड मोजी बेड, इन द अर्थ हिडन डीप इन द अर्थ, रूट थ्रेड लाइक रूट धागे नुमा जड़े, शूट टाइनी शूट मीन्स बहुत ही छोटा शूट, ब्रांचेस मीन्स स्लेंडर ब्रांचेस, ओक मीन्स माइटी ओक। ओके, देन है फाइंड आउट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ये वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं हमें, बट कहाँ से, पोएम से। ओके, पोएम में इनके अपोजिट वर्ड्स आए हैं हमें वहीं से राइट करना है। तो नाइट का अपोजिट डे, अपवर्ड का डाउनवर्ड, डाउन का अप, नियर का फार, या यहाँ पर अवे भी आया है, ए डब्ल्यू ए वाई अवे, नैरो नैरो का वाइड। ओके, द नेक्स्ट व्हाट डू ट्रीज गिव्स अस, जो ट्रीज होते हैं हमें क्या देते हैं, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्रीज गिव्स अस शेल्टर, ट्रीज गिव्स अस शेल्टर, टू टाइम रिपीट हो गया यहाँ, ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन, ट्रीज गिव्स अस वुड फॉर फर्नीचर, राइट, ट्रीज गिव्स अस पेपर्स, मैनी थिंग्स देते हैं ट्रीज तो हमें, तो यहाँ पर हमें राइट कर देना है। देन आफ्टर राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स, फर्स्ट एन अकॉर्न इज द फ्रूट ऑफ द ब्लैंक ट्री, जो अकॉर्न वो किस ट्री का फ्रूट है। ओके, तो एन अकॉर्न इज द फ्रूट ऑफ द ओक ट्री। ओके, अकॉर्न क्या है, ओक ट्री का फ्रूट है। Where is the acorn hidden? जो acorn होता है वो कहाँ छिपा होता है? First option in the tree. Option number B above the earth. Option C in the shade. या option D deep in the earth. The correct answer is option number D deep in the earth. जो acorn है वो earth के गहराई में छुपा होता है।
Then third, what does a sheet need to grow? Sheet को grow करने के लिए किसकी need होती है, मतलब seed means बीज को. Option A, tree or leaves, मतलब पेड़ और पत्तियों की. ऑप्शन बी वाटर एंड सनलाइट, वाटर और सनलाइट की. ऑप्शन सी सॉइल एंड रूट्स, एंड ऑप्शन डी सॉइल एंड सनलाइट. तो करेक्ट आंसर होगा वाटर एंड सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी. देन फोर्थ नंबर, व्हाट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर क्या ग्रो करता है. ऑप्शन ए शूट, ऑप्शन बी ब्रांचेस, ऑप्शन सी रूट्स, या ऑप्शन डी लीव्स. तो अंडर द ग्राउंड रूट्स ग्रो करती है ग्राउंड के नीचे. देन फिफ्थ नंबर, व्हाट कम्स आउट एबो द ग्राउंड, व्हाट कम्स आउट एबो द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो है क्या आता है, रूट्स आती है, सूट आता है, सीड आता है, या सॉइल आती है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा शूट, है ना. जब स्लोली स्लोली शीट ग्रो करता है और अपने मोजी बेड से बाहर आता है, तो स्लोली स्लोली फिर उसका जो है शूट दिखाई देता है, मतलब हल्की सी लीव्स निकलती है और फिर उसमें से शूट दिखाई देता है, मींस तना. सिक्स, व्हाट अपीयर्स ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस में क्या दिखाई देने लगती है, सीड्स, शूट, लीव्स, या रूट्स. करेक्ट आंसर होगा लीव्स. ओके, ब्रांचेस में क्या लगी होती है, लीव्स लगी होती है. विच वर्ड इन द पोयम राइम्स विद सैड, सैड से कौन सा वर्ड राइम करता है. ऑप्शन ए बैड, ड्यू, डे, या अवे. तो सैड से बैड. देन विच वर्ड इन द पोयम राइम्स विद अवे, अवे से राइम करने वाला वर्ड है डे, डे, वे. ओके, द नाइन्थ नंबर, विच वर्ड इन द पोयम राइम्स विद ग्रेव, ग्रेव से राइम्स करने वाला वर्ड है. ऑप्शन ए अवे, ऑप्शन बी बेड, ऑप्शन सी ड्यू, ऑप्शन सी डे. तो इसमें होगा ग्रेव, ड्यू. ओके, द टेंथ नंबर, विच वर्ड इन द पोयम राइम्स विद रूट, रूट का राइमिंग शूट. ओके, देन इलेवेंथ नंबर, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अपियर, अपियर का ईयर. एंड ट्वेल्थ नंबर, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ प्राइड, वाइट. ओके, द नेक्स्ट इज, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. इन टू पिक्चर्स को केयरफुली देखना है, देन आफ्टर जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर देना है. फर्स्ट इज, व्हाट डू ट्रीज गिव्स अस, ट्रीज हमें क्या देते हैं. तो ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन, ट्रीज गिव्स शेल्टर टू बर्ड्स. ओके, देन ट्रीज गिव्स अस शेल्टर भी राइट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, हाउ डू वी हार्म ट्रीज, हम ट्रीज को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं. तो उसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, वी कट प्लांट्स फॉर बर्निंग, हम जलाने के लिए जो है प्लांट्स को कट करते हैं. वी कट ट्रीज टू मेक अवर हाउस, हम अपने हाउस बनाने के लिए ट्रीज कट करते हैं. वी कॉज पॉल्यूशन बाय शटिंग अप इंडस्ट्रीज, हम अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करके भी जो है क्या करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, और जिससे कि ट्रीज के लिए जो हार्मफुल होता है. द नेक्स्ट, राइट अबाउट फाइव सेंटेंसेज ऑन ट्रीज यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से हमें फाइव सेंटेंसेस बनाने हैं ट्रीज के लिए. ओके, फर्स्ट इज शेल्टर. ओके, इस वर्ड का यूज करके बनाना है, तो इसमें राइट करेंगे
ट्रीज गिव शेल्टर टू बर्ड्स. ट्रीज गिव शेल्टर टू बर्ड्स मीन्स जो ट्रीज है वो बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं. इट्स ट्रू ना, बिकॉज जो ऑल बर्ड्स होती है वो क्या करती है, ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाकर रहती है, राइट. तो ये क्या हो गया उनके लिए, शेल्टर हो गया. तो इसका हम सेंटेंस राइट कर सकते हैं, ट्रीज गिव शेल्टर टू बर्ड्स. देन नेक्स्ट इज नेस्ट. नेस्ट मीन्स होता है घोंसला. तो बर्ड्स मैक्स नेस्ट ऑन ट्रीज. बर्ड्स मैक्स नेस्ट ऑन ट्रीज. जो बर्ड्स होती है वो क्या करती है, ट्रीज पर नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, राइट ना. द नेक्स्ट वर्ड इज वुड. वुड मीन्स लकड़ी. तो वी कट ट्रीज फॉर बर्निंग वुड. वी कट ट्रीज फॉर बर्निंग वुड. हम जलाऊ लकड़ियों के लिए ट्रीज को कट करते हैं. इट्स राइट. जनरली जो विलेजेस होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, और जहां पर अभी भी गैस अवेलेबल नहीं है, सिलेंडर गैस अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग कुकिंग के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे का यूज़ करते हैं, जिसमें कि किसकी नीड होती है, लकड़ियों की ज़रूरत होती है. और इसके लिए वो क्या करते हैं कि ट्रीज को कट करते हैं, तो इससे भी जो ट्रीज है वो डिस्ट्रॉय होते हैं. द नेक्स्ट है फ्रूट्स. तो इसका होगा ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स. ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं. देन मेडिसिंस. तो ट्रीज गिव्स अस मेडिसिंस. ट्रीज गिव्स अस मेडिसिंस, राइट ना. जो ट्रीज होते हैं वो हमें मेडिसिन देते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं जिनसे कि मेडिसिन बनाई जाती है. आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बनी होती है वो ऑल तो जो है ट्रीज से ही बनी होती है. इसके अलावा भी और जो तुलसी, नीम, मिंट, ये जो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स हर्ब्स होते हैं, इनका भी यूज़ हम किस लिए करते हैं, इनका भी यूज़ जो है मेडिसिन के लिए किया जाता है. देन है फ्रेश एयर. फ्रेश एयर ताजी हवा. तो ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग. जो ट्रीज होते हैं हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जो है फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, राइट. बिकॉज जो ट्रीज होते हैं इनसे ही क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नेम द ट्रीज एंड प्लांट्स. नेम द ट्रीज एंड प्लांट्स. यहाँ पर सम ट्रीज एंड प्लांट्स की पिक्चर्स दी थी, हमें इनके नेम राइट करने थे. ओके तो ये हम फिलअप कर चुके हैं. लाइक दिस इज रोज प्लांट, मैंगो ट्री, नीम ट्री, अशोका ट्री, कोकोनट ट्री, पीपल ट्री, तुलसी प्लांट, बैनियन ट्री, बनाना प्लांट. ओके एंड यहाँ पर जो है राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ ट्रीज. ट्रीज के पार्ट्स राइट करने थे, लाइक फ्रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, ट्रंक मीन्स होता है तना, एंड लास्ट रूट्स. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल टुडे. एंड टुडे इज योर होमवर्क. आपका आज का होमवर्क है, आपको उस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है, एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपको कराए गए हैं उन्हें आपको रिमेम्बर करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है. ओके बिकॉज आप सभी को टाइम टेबल मिल चुका है कि जो है हमारे आप सभी को हाफ ईयरली एग्ज़ाम का टाइम टेबल मिल चुका है. ओके तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए.
ओके एंड आप लोगों को सिलेबस भी भेज दिया गया है कि क्या कितने चैप्टर्स आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें से पूछे जाएंगे, देन आफ्टर कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा एंड टोटल मार्क्स आपको एवरी जो है एवरीथिंग जो है आपके ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। आप सभी ने मैसेज तो देख ही लिया होगा। 40 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होगा, देन आफ्टर 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस पर होंगे, जो एवरीडे आप क्लास अटेंड करते हैं उस पर, देन 10 मार्क्स आपके होमवर्क सबमिशन पे है। ओके बेटा, सो दैट इज ऑल टुडे, थैंक यू।